₹250 के आसपास ही, ये इतना छोटा वाटरमेलन। पहले तो पेपर बैग का लिए इन लोगों ने 25 सेंट्स। अभी इंडियन ग्रोसरीज भी है, यू कैन गेट इंडियन आइटम्स एज वेल। चिकन इधर है तो मैं वो भी बताता हूँ कितना है प्राइस। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज का वीडियो जो है, मैं फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया में और मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने। सो मैं दिखाऊंगा मैं कितना स्पेंड करता हूँ यहाँ पे ग्रोसरी में। ज्यादा सामान नहीं खरीदने, थोड़े थोड़े चीजें, थोड़ा फ्रूट्स, थोड़ा वेजिटेबल्स एंड देन दूध वगैरह, ब्रेड एंड ऑल। सो वो सारी चीजें हैं। सो मैं दिखाता हूँ कितना होता है खर्चा। सो वीडियो के साथ बने रहे एंड तक एंड आई विल गिव यू प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। एंड यू आर न्यू टू द चैनल, देन डू द सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड। मैंने शुरू किया ग्रोसरी स्टोर से बिकॉज मैं 11 बजे के पहले आ गया था और संडे के टाइम पे 11 बजे के टाइम कुछ खुला नहीं होता है, कोल्स वुल्स वगैरह। सो मैंने एक ग्रोसरी स्टोर से स्टार्ट किया विच इज एन एशियन शॉप। और यहाँ पे आप लोग प्राइस देख सकते हो, ये अनियन है एंड इसका साइज देख रहा है भाई, यहाँ का अनियन बहुत बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कि मतलब हाथ में फिट नहीं होता, इतना ज़्यादा बड़ा होता है। तो अनियन वगैरह थोड़ा लिया मैंने, देन उसके बाद दूसरी चीज़ भी लिए और ये सो जो है ये फ्रूट्स है। यहाँ पे सारे प्राइसेस लेकर आप लोग कन्वर्ट करके देख लेना जो भी करेंसी रेट चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने मेरा ग्रोसरी का जो भी वेजिटेबल वगैरह था मैंने वो शॉपिंग किया। तो मैंने यहाँ से जो मेरा वेजिटेबल वगैरह वो शॉपिंग किया, वेजिटेबल फ्रूट्स एंड ऑल, बाकी जो ब्रेड वगैरह है, मिल्क एंड ऑल, वो मैं कोल्स या वुलवुड से लेता हूँ जो मैं अभी जाऊँगा बिकॉज वो अभी खुला नहीं है, तो आफ्टर फ्यू मिनट्स इट विल ओपन। सो मैंने ऐसे बस चार ही आइटम उठाया और सबसे जो सस्ता था वो है ये कैरेट। और इसके जो कैरेट का पैकेट है वो 69 सेंट्स का है, जो 50 रुपये के नीचे है। बाकी जो ये है ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये 70 सेंट्स का आया था। देन उसके बाद मैंने प्याज भी लिया था थोड़ा थोड़ा, अनियन, एंड आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड $3। एंड सबसे जो महंगा था भैया और वो है ये वाटरमेलन। ये वाटरमेलन $6.81 का है, मतलब लाइक 300 रुपीज़ के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड और यहाँ का आपका वो अनियन देख सकते हो, अनियन का साइज़ कितना बड़ा है यहाँ पे। तो अभी मैं आया हूँ वुलवर्ड्स, और वुलवर्ड्स यहाँ का एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल आप बोल सकते हो, जहाँ पे ये ग्रोसरी वगैरह वो सब मिलता है। तो वुलवर्ड्स, कोल्स एंड एल टी, ये तीनों यहाँ का सबसे बड़ा है एंड काफ़ी फेमस है। सो वुलवर्ड्स में और कोल्स में प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है दोनों में, बट मैंने वुलवर्ड्स प्रेफर किया बिकॉज एक वुलवर्ड्स था जहाँ पर मैं गया था सामान लेने, वहाँ के नज़दीक था। तो यहाँ पर भी आप लोग ऐसे प्राइस देख सकते हो, ये ब्रेड वगैरह, ब्रेड, चॉकलेट एंड जितने भी चीज़ है, ठीक है, आप लोग वो देख लेना, देख के कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर क्या क्या मिलता है। सो यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, यहाँ पे हमारा वो इंडियन देसी लस्सी मिलता है, ठीक है, और ये जो छोटा वाला बॉटल है वो ऑलमोस्ट $4 से स्टार्ट होता है, और जो बड़ा वाला है वो $7 के आसपास, $8 से स्टार्ट होता है, आप लोग बोल सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एग्स वगैरह भी है एंड विच आर क्वाइट एक्सपेंसिव एट द मोमेंट। जब मैं ये यहाँ पे आया था 2 साल पहले, तब वो बहुत सस्ता था, अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सो मेरा ग्रोसरी शॉपिंग हो गया आज के लिए, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे प्राइस कितना है, कैसा है। यहाँ पे कोल्स है, यहाँ पे वुलवर्ड्स करके है, मैं आज वुलवर्ड्स में गया हूँ, मैंने लिया थोड़े बहुत सामान, वेजिटेबल्स है, एशियन शॉप है वहां से लिया बिकॉज वहां पे जब गया मैं देखा वहां पे सस्ता है, तो मैंने वहां से उठाया वेजिटेबल। काफी सारी चीज मिलते हैं यहाँ पे, बहुत सारे देसी चीज भी मिलते हैं, इंडियन ग्रोसरीज भी है, यू कैन गेट इंडियन आइटम्स एज वेल। ये जो मेरा सामान वहाँ पे वो ग्रोसरीज है सारा, ठीक है, और यहाँ पे मतलब वेजिटेबल्स वगैरह है, और यहाँ पे ये सब ब्रेड, एग, जो भी ये सब है, मतलब चिकन वगैरह, चिकन इधर है तो मैं वो भी बताता हूँ कितना है प्राइस। ₹250 के आसपास ही, ये इतना छोटा वाटरमेलन, ठीक है। टोटल जो यहाँ पे मैंने स्पेंड किया वो ऑलमोस्ट $10 का था, बस इतने में, इतना जितना चीज है। और यहाँ जितना भी मैंने स्पेंड किया, और ये जो चिकन है, मेरे पास 2 बिल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कितना कितने का था प्राइस। सो आई विल स्टार्ट विद दिस, पहले तो पेपर बैग का लिए इन लोगों ने 25 सेंट्स, देन होल मील सैंडविच ब्रेड $2.70, वो मुरुक्कू जो था उसका $3 लिया, एंड ये कौन सा है, ये मिल्क बिस्किट 260, एसेंशियल रॉ शुगर 160, देन नेचुरल ग्रीक योगर्ट 330, एंड वुलवर्ड्स एग्स $5। ये जो है, ये जो बैग है, ये टोटल $18 का, $18 का है यहाँ पे जितने सामान है। और चिकन अलग से था बिकॉज मैं चिकन लेना भूल गया था, ठीक है, तो इसमें ये मैं अलग से ले गया, तो चिकन का जो प्राइस है विच इज $7।
सो मैंने जो आज स्पेंड किया उसका टोटल अगर मैं एक एस्टिमेट लगाता हूँ तो ये अराउंड 35 से लेकर $36 के बीच में आते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1800 to 1900 rupees इन इंडियन करेंसी, राइट। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये एक्चुअली बहुत कम है, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें आज लिया नहीं है। डिपेंड करता आप क्या चीज़ ले रहे हो, ये नॉर्मल जो एसेंशियल्स है ग्रॉसरी का, वेजिटेबल्स वगैरह, ये थोड़ा चीप है, बट कभी कभी दूसरी चीज़ भी लेना होता है तब कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाता है। बट आप लोगों को एक पता चल गया कि ये ऐसे सारी चीज़ें खरीदने में यहाँ पे कितना स्पेंड होता है। सो यही था मेरा प्राइस कंपैरिजन, और आप लोगों को एक आइडिया चलेगा कि यहाँ पे कितना है, ग्रोसरी वगैरह कितने का आता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू नीड मोर वीडियोज लाइक दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसे टाइप की वीडियो चाहिए। मैं ट्रैवल वीडियोज काफी बनाता हूँ एंड मैंने नया नया स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, सो हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज। एंड आते रहेगा ऐसे वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज भी आते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।